26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखा था। मुझे देर नहीं लगती। चालीस का विवाह को पूरे देश से बुलाया था, तो बजरंग दल के संयोजक थे,
उनको ट्रेनिंग दिया हमने जी सर केज में, तो आर्मी के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, हमने वो ट्रेनिंग देना शुरुआत किया। सबसे पहले जुड़े और कराटे की ट्रेनिंग, राइफल ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग जो आर्मी में दी जाती है, 30 फीट रोप चढ़ना, मंकी रोप करना, एक दीवार से दूसरी दीवार कैसे जाया जाता है, ये सारी ट्रेनिंग हमने 15 दिन की जो यहाँ पर की, आज भी चल रही है, अभी पूरा हुआ है, अभी चल रही है, अभी भी चल रही है, पूरे देश में चल रही है। तो मैं अब बोल रहा हुआ तो जैसे कहा कि हिंदुओं के पास हथियार तो रहते नहीं है, तो फिर कैसे तो कैसे हथियार कैसे आए? कुछ बताइए ना, मैं लिखूंगा नहीं लिखूंगा। मेरी खुद की गन की फैक्ट्री, मैं पटाखे बनाता था, टैकर्स बनाता था, सारे बॉम्ब उसमें बनाए, डीजल बॉम्ब, 5 बॉम्ब और सब बनते थे वहाँ पर, वहीं हम सप्लाई करते थे। पंजाब से 2 ट्रक भर के हमने कलवारे मंगवाई, यही पर गांव में जो है कि दारिया और वो सब बनवाए, सब सबको सामान दिया, एक ही तरह सामान चाहिए तो इनसे हथियार, इवन कट्ठे भी इतने लाया MP से, UP से, सबसे कट्ठे मंगवाए, यहाँ से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि समय बहुत कम था। आपको मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, आज तक ये राज किसी को मालूम नहीं। मैं समझ रहा हूँ, कहा हिंदू पर हथियार तो रहता नहीं, घर में छुरी होती है, हथियार दिए थे वो लोग, शौक लग गया था, हम यहाँ बनाते थे और टेस्टिंग करने जाते थे, तब हम पाइप के अंदर पूरा का पूरा जो है लॉन्चर बनाते थे, यहाँ फैक्ट्रिया में साइड में से लॉन्चर और उसके ऊपर पाइप, 4 की पाइप लगाते थे और हम पूरा होल बंद करके उसके अंदर छरे लगाते थे किलियों के, जेल के, और पीछे 555 का जो बॉम्ब आता था ना उसकी फाट लगा देते थे, उसको जलाते और फाटते थे, 9 इंच की दीवार तोड़ दी थी। जब जिस दिन गुजरा हो उस समय नरेंद्र भाई के क्या प्रतिक्रिया थी? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लेकिन फेवरेबल थी इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी आपस की उस समय की मिलाप थी। कुछ तो बताइए नरेंद्र भाई, क्या उनका क्या उनका फेवरेबल था, लेकिन हम ये क्योंकि स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते, जो उन्होंने किया है ना वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा, मैं कहीं इसको कोट नहीं करूंगा, मैं वैसे भी आपको कोट नहीं करूंगा कहीं किसी किताब में। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में बंद कर दूंगा, ये उन्होंने खुलेआम कहा था, और 3 दिन के बाद बोला कि आप बंद कर दो, और सारा बंद हो गया, बंद हो गया 3 दिन के बाद, 3 दिन में आर्मी भी आ गई, सब कुछ आ गए, 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो कहा उन्होंने। यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कहा है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता। आपसे बात हुई थी उनकी? मैं बता रहा हूँ ना कि हम सब मीटिंग में थे, उनको सरकार चल रही थी, आज जो आज परेशानी हो रही है उनको, हर तरह से केस खुल रहे हैं, हर तरह से सब लोग उसको विरोध कर रहे हैं, यहाँ के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, अभी बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, क्योंकि जो किया है उससे उनका उनकी छवि जो इतनी बड़ी बन गई है वो दूसरे पॉलिटिशियन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दो चीज होती है, मिस कैलकुलेशन हो गया नहीं, फिर क्या होती है कि कांग्रेस रात मानो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या करती, ही नेवर अलाउ हिंदू टू बीट मुस्लिम, राइट, सो दे यूजिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स जस्ट टू पुल डाउन द हिंदूज, सो देयर आफ्टर द सेकंड हीरो इन द नेम ऑफ नरेंद्र मोदी के, ही टेल he by giving oral instruction to police that we remain with the Hindus. So because the entire kingdom is with the Hindus. ये बात सही है कि जब मोदी 27 फरवरी को गए गोधरा पहुंचे तो वहाँ पे BHP के लोग कार्यकर्ता ने उनको मारा? नहीं, मारा नहीं था। अब ऐसा है कि 58 बॉडीज पड़े, अब शाम को जाते तो वो तो बोलेंगे कि आपने क्या किया, सुबह 8 बजे से शाम तक नहीं पहुंचे, इसलिए और पुलिस का बंदोबस्त थोड़ा ज्यादा था, उनको जाने नहीं दिया। तो जब वहाँ पे बहुत कहा सुनी हुई तभी मोदी जी को गुस्सा आया उन्होंने, मोदी तो पहले से अपने लाइन के बात छोड़ो, लेकिन वो कोर्ट पर बैठे नहीं तो लिमिटेशन ज्यादा, उनके पर भी काफी लोग इसलिए बोल रहे हैं, जी सर, जैसे नरेंद्र मोदी गोधरा से लोग क्या है
जिस दिन 27 बाद आप उनसे मिले थे? वो सब मैं सवाल जवाब नहीं मैं जानना चाहता हूँ, देना नहीं चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि उनका पहला रिएक्शन क्या था। नरेंद्र मोदी ने तो जब फोन पर सुना तब से उनका लोही गर्म था, बताइए और क्या। मैंने आपको थोड़ी हिंट बताया, उससे ज्यादा मैं भी नहीं बता पाऊंगा, ना मुझे बताना चाहिए जी। मैं जानना चाहता हूँ उनका रिक्रिएट कर व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन। नहीं वो तो उनका रिएक्शन तो ये वो मिनिस्टर नहीं होते तो बम गिरा दे, उनके पास कैपेसिटी होती और वो मिनिस्टर नहीं होते तो जोधपुरा में बड़े दो चार बम गिरा दे। बस ये भी हमारा बॉर्डर है, ये मकान के पीछे ही सब वो इलाका है उसका। यहाँ भी उस समय गुजराकांड के समय रात को करीब 11 बजे से धंधा चालू हुआ था, दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक हमने फाइट किया था। अच्छा उधर से भी फायरिंग करी उन लोगों ने? वो लोग नहीं, इस बार तो पूरा हिंदुओं के पलने पड़े। लेकिन क्या हुआ था कि जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है इस बार, इसमें ये हुआ। हमारा तो प्लान था पूरा गोधरा जला देने का, यही प्लान बनाया था, लेकिन यही सब ये लेके आना है समाज संभालना। और फिर वहाँ पे सब वीआईपी की विजिट लग गई। हाँ वो सब सोनिया गांधी आ रही हैं, सोनिया आई, वो सब आए। कर्फ्यू लगा तो शायद मिल नहीं सकते थे या? नहीं हमारा तो कर्फ्यू तो आज की तारीख में भी लगा हो तो भी बाहर चले जाते हैं, यहाँ गलियां ऐसी है और नहीं है तो हम तो वैसे रोड पर भी निकल जाते हैं। समय हुआ 8-10 लोग बैठे थे एक जगह पे, उसमें ये स्ट्रेटेजी हुई कि भाई बदला तो लेना ही है और एक बार दिखा दो तो 8-10 साल की शांति हो जाएगी। नरेंद्र भाई ने भी अच्छा उसमें सहयोग दिया। नरेंद्र भाई ने उस समय क्या रिएक्शन था उनका जब गोधरा पहुंचे या गोधरा के बाद जब वापस आए? क्या था उन्होंने उनको खुद को आक्रोश जबरदस्त था, संघ का स्वयं से होता है बचपन से वो तो आक्रोश उनका ऐसा वो आए नहीं बाहर, लेकिन पुलिस वगैरह सब निष्क्रिय हो गई। इसमें क्या है शुरुआत में जो माहौल एक बना था जी, तो वो माहौल में जुडिशियली पुलिस डिपार्टमेंट सब लोगों को भी इंटरेस्ट आ गया था कि चलो भी हेल्प हम भी हिंदू है और अगर कुछ म्यूजिक का तान में जो लोग डांस कर लेते हैं बस कर लेते हैं बस ऐसे कर लेते हैं, अगर म्यूजिक नहीं बंद हो जाता तब पता चलता है कि सलाम हम थक गए। तो ऐसी पोजीशन जो बिल्कुल कोई कार्यकर्ता है एकदम स्ट्रॉन्ग वही रह सकता है, ये जो कमिटेड में कमिटेड हो, बाकी दूसरे लोग जो हम लोग खींच के लाते हैं वो साले डिले पड़ जाते हैं। पर जुडिशियली में भी मेरे पास आज भी मैंने अभी दो जजों को एक किताब दी दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का चुकाता था कुरान के बारे में जी। जो जिहाद जो प्रवीण भाई साहब ने लिखी है मेरे पास जिहाद अभी लिखी और वो मैजिस्ट्रेट का चुकाता है, तो उसके अंदर जो ये लोगों की जो डिमांड है या ये लोग जो मानता है वो लोग क्या मानते हैं, तो उससे जो धर्म जनून है वो बहुत ज्यादा है और उसकी उसकी कंपैरिजन में हमारा बहुत कम पड़ता है। तो अपने खिलाफ कुल कितने केसेस यहाँ रजिस्टर हुए पूरे जिले में? पूरे जिले में 1400 हुए थे रजिस्टर। और मेहसाना में? मेहसाना का तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा। नहीं मोडासा में बस वो टोटल होके 1400 थे, तो इसमें से कम पहले कमिट हो गए 650-600, बाकी के मैं समरी भर गई, फिर से ओपन हुए जो इसमें भी लोग हैरान परेशान होते हैं। मुस्लिमों की मेंटालिटी ये है अपन लोगों को अगर केस के अंदर भी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू लिया है वो हिसाब से लोग डरते हैं ज्यादा है, ये नीचे वाले जजों में डेरिंग नहीं है। नहीं है शुरुआत में करी डेरिंग सर, शुरुआत में करी। अभी क्या है कि जो ऊपर वाले जो है जो जो बड़ौदा का जो केस
रिटायर कर दिया बेकरी का, तो हाँ बाबा, तो उसके बाद जो जो किया इससे दूल्हे लोगों का मॉरल डाउन हो गया। लेकिन फिर भी आप लोगों का सहयोग है तो कुछ, वो तो हमारी तो जिम्मेदारी है तो हम करते ही हैं। हम तो मैंने अभी यहाँ के जो भी मैटर मैंने निपटाई तो मैंने मियाँ लोगों को बहुत दम भी लगाया था कि मैं बोला तुम इतना ऑफिसर हो और तीन चार दफे बोलते हो अलग अलग दफे, तो लेट स्टेटमेंट है जो ये एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, फिर भी जो ये नीचे वाले जज है ना वो खुद गलत करते हैं, समझ लो कुछ ना कुछ, तो ऊपरी वाले से बहुत डरते हैं, जाने पुलिस वाले हो करप्शन नहीं करता वो सामान्य पुलिस वाला, फिर भी अपने एसपी से बहुत डरेगा क्योंकि उसको तुरंत सस्पेंड कर सकता है। और पुलिस का अब क्या रवैया है? पुलिस का रवैया जो केसेस रीओपन हुए जो इसमें क्या है, उसको खुद की नौकरी की डर है, वो हिसाब से बहुत ज्यादा अपने अगेंस्ट नहीं जाते, हेल्प करते हैं वही मानते हैं। पैसे संकलन ने कुछ इसमें योगदान किया? इसने योगदान ये लोगों ने ही कर दिया, आरोपियों ने कर दिया, लेकिन जब मैं पास्ट में जब मैं संभालता था ये डिस्ट्रिक्ट का सभी केस, तो मैं आरोपियों के पास से कोई पैसा लेता नहीं था, और वो लोगों के गांव में मीटिंग करता था, और वो लोगों के गांव में मीटिंग करके जो भी पैसे वाले आदमी हो उसको एक बोलता था कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो कश्मीर में या पंजाब में हरियाणा में या यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई लोग ऐसे भी हैं कि जिसके पास करोड़ों रुपये अरबों रुपये की प्रॉपर्टी थी लेकिन आज उसके आसपास में सब मदरसा बन गया, सब चले गए, तो अगर आपके पैसे जो काम में नहीं आए समाज के लिए तो क्या करोगे, तो किसी के पास 5,000-10,000 लाख रुपया ऐसे लेके हमें 5-5 लाख-7 लाख रुपया कि जो केस के अंदर हमें समाधान करना ही पड़ा है, ऐसा था कि डे लाइट मर्डर था और डे लाइट में तलवार मार के उसको काट डाला था 5 आदमियों ने, और जिसने काटा इसके बदले अच्छे अच्छे आदमियों का नाम लगा दिया, मेडिकल स्टोर का वाले का नाम बिलोड़ा में, तो फिर उसमें मैंने 4,60,000 में समाधान करवा दिया पर सामने। कितने साल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ 2003 दिसंबर से, मतलब 2004 से हूँ ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहाँ पे भी आता हूँ तो मुझे पर डे 400 रुपीज मिलते हैं, मैं ऐसे मेरी खुद की कार लेके आता हूँ भाई, वो LPG गैस से चलती है, मुझे पर डे 200 रुपीज का खर्चा लगता है, 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर का, तो 200 रुपये के लिए मैं आता हूँ खाली एक सिर्फ मोरालिटी के लिए कि अपने जो भी काम है हिंदुओं के काम है यहाँ, क्योंकि बहुत डेंजर मैटर थी तो चलो मैं खुद रहूँ तो किसी को तकलीफ नहीं पड़े। हाँ सब मैं ये अपने हिंदू लोगों को बोलता हूँ, तुमको मेरे सामने देख के हंसने का नहीं बोलने का नहीं, मैं डांटूंगा भी सही, मुझे जो करना है वो करूँगा आपके लिए।